आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती लोकप्रियता अब उनके लिए ही एक बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे खार खाए बैठे हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और ये नफरत किस कदर बढ़ चुकी है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि मोहन यादव तैयारी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को जेल भेजने की। मध्य प्रदेश के मामा जनता के चहेते मुख्यमंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव में और बीते विधानसभा चुनाव में भी शिवराज के चेहरे पर ही लोगों ने वोट दिया और बीजेपी ने जीत का परचम मध्य प्रदेश में लहराया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोहन यादव इसी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को मध्य प्रदेश से बाहर करने में लगे हुए हैं, और कोशिश किस कदर हो रही है आप ये भी सुनिए। दरअसल खबर है कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए घोटालों की फाइल लेकर दिल्ली पहुंचे, और यहां अमित शाह से, जेपी नड्डा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान की शिकायत लगा दी है। और यह दावा, यह खबर कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कही गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने अपने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट के बाद बीजेपी में बहुत बड़ी खलबली मच गई और सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों में खलबली मची। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहन यादव दिल्ली शिवराज सिंह चौहान के घोटालों की फाइल लेकर पहुंचे हैं और शिवराज सिंह चौहान को जेल भेजना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस लगातार इस बात को कहती आ रही है कि नर्सिंग घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ उसमें शिवराज सिंह चौहान का हाथ था, उनके मंत्री विश्वास सारंग का हाथ था। अभी कुछ दिनों पहले जब मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, और अचानक वो दिल्ली पहुंचे जिसके बाद चर्चाएं होने लगी, उमंग सिंघार ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम साहब कहां हैं आप, पूरे प्रदेश के साथ मैं भी आपके लिए चिंतित हूं। एमपी की 7.5 करोड़ आबादी का नेतृत्व करने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का आज सुबह 11 बजे से कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से परेशान है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझे आपकी चिंता है, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, बताएं कि आप कहाँ हैं। चर्चा ये है कि वो शिवराज मामा जी के घोटालों की कुछ फाइलें लेकर दिल्ली गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ लॉबिंग तेज है। परिवहन मंत्री से जो तूतू मैमे हुई वो सार्वजनिक होनी चाहिए। हैशटैग सीएम को उनके मंत्री अब खुलेआम धमकाने लगे। 2 दिन पहले मुंबई के ताज होटल में फ्लॉप अभिनेता के साथ एमपी में कितने निवेश का सौदा किया। सीएम साहब, आपका समय बहुमूल्य है, दिल्ली का सच सबके सामने आना चाहिए। दरअसल खबरें ये सामने आई कि मोहन यादव अचानक दिल्ली पहुंचे थे मंत्रियों के बारे में बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ साथ खबर ये है कि अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए जिस चेहरे को मंत्री बनाया है उसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, विभाग दिया जाए, इसको लेकर चर्चा करने के लिए भी मोहन यादव पहुंचे। लेकिन कांग्रेस नेता का ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान के घोटालों और भ्रष्टाचार की फाइल लेकर वहां पर पहुंचे हैं मोहन यादव, कहीं ना कहीं सियासी अटकलों को हवा दे रहा है, क्योंकि मोहन यादव इससे पहले नर्सिंग घोटाले को लेकर कह चुके हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा सरकार वही करेगी, और इस बयान को लेकर भी खलबली मची थी। अब ये कहा जा रहा कहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नर्सिंग घोटाले में भी उनका नाम था, और अभी भी नर्सिंग घोटाले का मुद्दा कांग्रेस बड़े ही जोरों शोरों से उठा रही है। खैर, अब देखना होगा कि मोहन यादव की तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं या फिर कामयाब होती हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।